Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube channel. So, आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज HDFC बैंक की तरफ से आ चुके लेटेस्ट जॉब वैकेंसी जहाँ पे एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो. किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, सारी चीजों को देखिए यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं. अभी अभी 10 मिनट पहले ही ये जॉब अपडेट आया है जो कि नई वैकेंसीज है बिल्कुल ही. तो सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा क्या एज लिमिट रहने वाली है, सिलेक्शन आपकी कैसे होनी है, पोस्ट वाइज क्या क्या सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है, वो भी आपको बताने वाली हूँ. और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कौन से स्टेप है जिसको फॉलो करते हुए आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बाद में यही कंफ्यूजन रह जाती है, पता नहीं चल पाता अप्लाई कैसे करना है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम कैंडिडेट को फेस करनी पड़ती है. तो हमेशा की तरह प्रॉपर स्क्रीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आपको कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है. वीडियो को लास्ट तक देखना. चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. इसके अलावा और काफी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी है, चैनल पे मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, चेक कर लेना उसको भी. इसके अलावा हमारी ऑफिशियल साइट www.glory.com वहां पे विजिट करके लेटेस्ट वैकेंसी को चेक करके अप्लाई कर सकते हो. चलिए ज्यादा टाइम वाले इतने सीधा बात करेंगे लेटेस्ट आई हुई जॉब वैकेंसीज के बारे में जो कि डायरेक्टली आ चुकी है HDFC बैंक की तरफ से. हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे यहाँ पे. पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई है उसके बारे में कवर करेंगे, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई उसमें करना चाहिए, कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए सिलेक्शन आपकी इसमें कैसे होने वाली है, हर चीज को ब्रीफ में कवर करके वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना, प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का. तो यहाँ पे हम देखिए बात कर रही है HDFC बैंक की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करना शुरू हो चुका है. वैकेंसी इस पर काफी टाइप की है जो यहाँ पे रिलीज हुई है, वन बाय वन यहाँ पे बात करेंगे. इसके अलावा देखिए बहुत सारे कैंडिडेट की ये डिमांड थी कि हमारे पास क्या है कि आपके चैनल से कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा, हमारे लिए एक नया चैनल भी बना दीजिए. तो मैंने आपके लिए एक नया चैनल भी अपना बना लिया, मीत शर्मा. आप यूट्यूब में टाइप करना पहले नंबर पर मिल जाएगा, अभी जाकर इसको सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से ताकि इस पर भी आपको लेटेस्ट वैकेंसी देखने को मिल जाए डेली. तो यहाँ पे बात करिए HDFC बैंक की वैकेंसी के बारे में. सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोस्ट की बात करें, पहले जो पोस्ट यहाँ आउट हुई है वो आप देख पा रहे हैं पर्सनल बैंकर के लिए है, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर RRB की है, रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज है, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की है, रिस्क मैनेजर की वैकेंसीज है. नेक्स्ट पोस्ट की बात करें RM सर्विसेज के लिए है, सेल्स मैनेजर, कस्टमर सर्विसेज, ट्रेड सेल्स मैनेजर की है, सेल्स मैनेजर फाइनेंस के लिए वैकेंसीज है. नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सेल्स मैनेजर रिकवरी के लिए है, फॉरेक्स के लिए भी आउट हुई है, इसमें कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज भी आउट हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री लेवल और सिटिंग प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज है. खास तौर पे फीमेल कैंडिडेट की कमेंट्स देखने को मिले थे कि हमें कस्टमर सर्विसेज की बैंक की वैकेंसीज भी बता दीजिए, तब तो कोई अपडेट आया नहीं था, अब आ चुका है. ठीक है, आगे बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है. प्रोजेक्ट मैनेजर की है, एरिया कलेक्शन मैनेजर, आउटरीच मैनेजर, ऑथराइजर की है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रांच सेल्स मैनेजर की है, एरिया सेल्स मैनेजर की. लास्ट में स्क्रॉल डाउन करके आपको पहला लिंक मिल जाएगा अप्लाई का, क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉग ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स आपको मेंशन की हुई है. लास्ट में आप जाएंगे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, सीधा आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल साइट पे जो कि सीधा मैंने अपनी ऑफिशियल साइट पे ही अपडेट किया हुआ है. यहाँ पे पर्सनल बैंकर की वैकेंसीज भी आउट हुई है, बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसीज है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ वैकेंसी जो मैंने आपको अभी नहीं बताई है जैसे कि मार्केटिंग सर्विसेज मैनेजर की वैकेंसी है, यहाँ पे एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं. देखिए 0 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बताऊंगी आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है. टेलर ऑथराइजर की वैकेंसी है, सिस्टम एनालिस्ट की आपको देखने को मिल जाती है. जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज है फ्रेशर्स की अलग है, एक्सपीरियंस की अलग है, आपको सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, आप अपनी लोकेशन वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं. सेकंड पेज पे जाएंगे अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल्स मैनेजर ब्रांच बिजनेस के लिए है, उसके बाद सेंट्रल कॉलिंग टीम के लिए ये कलेक्शन मैनेजर की वैकेंसीज आउट हुई है, उसके बाद यहाँ पे और फ्रेशर्स की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है. यहाँ पे देखिए सेल्स मैनेजर आपके लिए है बट फ्रेशर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अप्लाई जरूर करना है.
सपोज दैट आपने इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई का ध्यान से समझना। जैसे आपने क्लिक किया, ठीक है, आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो कि पोस्ट से रिलेटेड होंगी, वो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर स्किल्स की यहाँ पे बात करें इस वाली पोस्ट के लिए, आपके यहाँ पे सेल्स एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स इन्होंने मांगे हुए हैं, मतलब आप सामने वाले को कैसे कन्वेंस कर सकते हैं वो बस आपने स्किल्स होने चाहिए। अप्लाई पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आपको ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन करके सबसे पहले अपने आप को लॉग इन करना है, ठीक है। देन आप अप्लाई करेंगे, जहाँ पे अपना नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इसके अलावा कब आपने पास आउट किया, क्या आपकी लोकेशन है, जो जो डिटेल्स मांग रहे हैं एज इट इज फिल करनी है आपको। लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। रिज्यूमे से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लॉग इन करके अप्लाई इस तब कर पाएंगे अगर आपने रजिस्टर किया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है न्यू यूजर पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए जब आपने यहाँ पे अपने रजिस्टर करना है, आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करके रिज्यूमे अपलोड कर देना। जैसे अपलोड हो गया ये आपके सामने हाईलाइट हो जाएगी ऑप्शन, जैसे ये ब्लू में है ना, ऐसे आपके सामने हाईलाइट हो जाएगी, आप अपनी प्रोफाइल का रिव्यू कर पाएंगे, उसके बाद कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। जो जो डिटेल्स रह गई है वो आपको बस सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है, आपका हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर। उसके बाद जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपने रखा होगा यहाँ पे, वही आपको लॉग इन करते वक्त बस वहां पे मेंशन करके अप्लाई आपको कर लेना है। अब जैसे आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जैसे नियर बाय अपने अप्लाई किया, क्योंकि लोकेशन वाइज ही यहाँ पे वैकेंसी, आप लोकेशन वाइज यहाँ पे अप्लाई करोगे, आपको कुछ नहीं करना। आपके नियर बाय जहां भी आपने अप्लाई किया, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, वो भी आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उसकी वीडियो भी जरूर से लेकर आऊंगी। वो वीडियो मैं आपके दूसरे चैनल पे लेके आऊंगी जो मीर शर्मा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब रखना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा दोनों में से किसी भी चैनल को आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कोई भी क्वेरी है कमेंट जरूर करना। आप सब जानते हैं जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि जॉब अपडेट आपको कोई भी बताता है निकल जाता है, लेकिन आपको गाइडेंस हर कोई प्रोवाइड नहीं करता, तो हमारी टीम आपकी हमेशा हेल्प करती है। थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, ठीक है। बस क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ एचडीएफ से रिलेटेड, कोई अदर डिपार्टमेंट की भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट जरूर करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक